हाय गाइस, अभी अभी मैं पता है क्या कर रही हूँ और मैं पता है कहाँ बैठी हूँ, पाइल ऑफ क्लोथ्स में। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे क्रॉप टॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको थोड़ा सा अरेंज करती हूँ और जो चीज़ें मुझे यूज़ नहीं करनी है उनको मैं सोच रही हूँ कि मैं थ्रिफ्ट करती हूँ। तो या तो मैं थ्रिफ्ट करूँगी या फिर मैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करूँगी, क्योंकि वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। श्रीनगर जाते तो रहो और कुछ ख़रीदते तो रहो, लेकिन वो चीज़ें यूज़ नहीं हो पाती हैं। तो डेफ़िनेटली मुझे बाद में थोड़ा रिग्रेट होता है जब मैं चीज़ें दे देती हूँ। तो अब देखते हैं कि मेरे को क्या क्या यूज़ नहीं करना है। दिस पाइल ऑफ क्लोथ्स, जिनमें से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे अरेंज करूँगी। तो एक काम करते हैं कि पहले जो ऐसे टॉप्स हैं, ब्लैक, वाइट एंड थोड़े लॉन्ग बेसिक टॉप्स, उनको एक तरफ कर लेते हैं, और जो क्रॉप टॉप्स हैं जो कि ऐसे छोटे साइज़ के हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। 90% इंडियन क्रॉप टॉप्स हैं, तो इनको मैं एक तरफ कर देती हूँ पीछे की तरफ। और इन्हीं के साथ कुछ कुछ बाहर भी पड़े हुए हैं, जैसे कि ये ब्लाउज़। तो ये एज ब्लाउज़ भी काम आते हैं एंड एज नॉर्मली एज क्रॉप टॉप्स भी काम आते हैं। नाउ यू कैन सी मी क्लियरली कि अब मैं क्या कर रही हूँ। सो लेट्स डू दिस एट अ टाइम। कुछ क्रॉप टॉप्स हैं जो मुझे बहुत छोटे हो गए हैं, बट आई लव देम सो मच कि मेरा फॉरएवर 21 का इनिशियल परचेज है, जो बहुत ही खुश हुई थी। मैंने इसको ज़ारा की ब्लैक लेगिंग्स के साथ बहुत पहना था, देन आई वोर इट विद अ फॉरएवर 21 की एक बहुत ही अच्छी स्लिट पिंक कलर की स्कर्ट थी, बीच वेयर में मैंने वो भी पहना था। सो आई यूज दिस क्वाइट अ लॉट, बट स्टिल इट्स फ्रेश और स्टिल आई लव इट अ लॉट। और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इसको गिव अप करने का। प्रॉब्ली आई विल वेयर इट विद अ साड़ी, क्योंकि अगर ये छोटा हो गया लेंथ में तो साड़ी के साथ फिर भी चल जाएगा। आई डोंट नो कहाँ से ये निकल आ रही है। ये बोहो टॉप मेरे को बहुत पसंद था, बिकॉज ऐसे वाले आजकल भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बट इसमें मैंने पता नहीं कौन सा यहाँ पर स्टेन लगा दिया है और अब इसका क्या हो पाएगा पता नहीं। ये वाला टॉप भी बहुत ही फ्रिली एंड क्यूट सा है, इसमें बोटैनिकल्स प्रिंट है। बोटैनिकल्स बहुत चल रहा है आजकल भी, H&M वगैरह में भी चल रहा है, और फ्रिल स्लीव्स भी चल रही हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ओनली थिंग इज थोड़ा सा डल लगता है ये मुझे, बट आई थिंक आई विल मेक इट वर्क। सो This is a very क्या बताऊँ, ये वाला ब्लाउज जो है इसमें एलिफेंट्स बने हुए हैं, इफ यू कैन क्लियरली सी। सो आई हैड अ पजामा फ्रॉम जनपथ जिसमें एलिफेंट्स बने हुए थे एंड आई वोर इट विद दैट। एंड एक बार मैं एक डिज़ाइनर को मिलने गई थी, तो उनको मिलने के लिए मैंने स्ट्राइप स्कर्ट पहनी थी, जो कि बिल्कुल फिटेड वाली होती है, पेंसिल स्कर्ट बोलते हैं उनको। तो उसके साथ ये पहना था, सो आई वोर प्रिंट ऑन प्रिंट and this used to look really cute, so I can't give up on that also. ये black crop top जो है बहुत ही मतलब मेरा favorite. I used to wear this with anything and everything. It's such a versatile piece, लेकिन थोड़ा सा fade away again हो गया है, इस पर इतना नहीं लग रहा लेकिन मुझे पता चल रहा है। तो लेकिन मैं अभी तक give up नहीं कर पाती कुछ चीज़ों को, मतलब I just can't give up. Sometimes you need a really basic white crop top. It can be used as a blouse, as a inner and as a crop top. कई बार आप स्ट्रक के साथ भी पहन सकते हो। तो basically अगर आप बहुत सारा print और बहुत सारा color पहन रहे हो तो you can minimize that color with this white crop top. Let's do one thing. Let's just put small crop tops in this, क्योंकि वो easier to contain हो जाती है, and then I would know how to pick up from where what exactly. तो ज़्यादा इजी रहती हैं चीज़ें ऐसे। बहुत मुश्किल है यार, यहाँ नीचे बैठ के गर्मी में थोड़ा सा अरेंज हुआ है। इसमें जितना भर सकती थी भर दिए छोटे छोटे वाले, क्योंकि ऑब्वियसली एक दो भी बाहर रह जाते तो डिसऑर्गेनाइज हो जाता। ऊपर पाइल ऑफ लॉन्ग टॉप्स बना दिए हैं। अब रह गई मेरी ड्रेसेस जो कि इस तरह फिट होंगी, और दिस नॉट इट, इट्स नॉट लाइक यही है सब कुछ। मेरे पास बेड में भी जगह है जिसमें ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए हैं,
तो विच इज़ अ शेमफुल थिंग, इतने कपड़े मुझे चाहिए नहीं जिंदगी में, बट थ्रिफ्ट शॉपिंग और व्हाटएवर शॉपिंग यू कॉल इट, लोकल शॉपिंग, जिंदाबाद। और अब मुझे लग रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि इट्स गेटिंग टू मच ऑन माई हेड। सो यू कैन सी माई हालत। इसमें मेरी ड्रेसेस पड़ी थी और कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगता है या तो मुझे ठीक करनी पड़ेंगी, अपग्रेड करनी पड़ेंगी, या फिर फेंक देनी पड़ेंगी। दिस कैन बी लाइक यूज एज अ नाइटी ऑल्सो, सो आई थिंक आई प्रॉब्ली कीप इट समवेयर हियर। ये इंडिगो स्कर्ट है जिसको मैं थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहती हूँ बाय पुटिंग सम गोटाज एंड ऑल, या फिर कोई मतलब समथिंग टू डू, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगी, इसको भी एंड सो मेनी अदर स्कर्ट्स को। तो ये मेरी कुछ न्यू ड्रेसेस हैं, जिसमें से ये थोड़ी पुरानी है, बट ये थोड़ी न्यू ड्रेसेस हैं जिनको मैं सामने ही रखना चाहती हूँ। सो दिस ड्रेस आई रियली लाइक, बट मेरे को इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है ना इसको पहनने में। तो ये इतनी प्रिटी और इतनी बीची लुक है, बट क्योंकि ये ऑफ शोल्डर है और इसकी फिटिंग में मैं थोड़ी सी मोटी लगती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि नॉट द बेस्ट फिटिंग वाइज, बट मैं इसको थ्रो अवे नहीं करूँगी। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू फाइंड अ वे टू यूज़ इट। ये वन ऑफ माई फेवरेट समर ड्रेसेस हैं, क्योंकि ये इंडियन प्रिंट है, इसमें इंडियन काइंड ऑफ एम्ब्रॉयड्री और व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, प्लस ये पतली स्लिंग्स वाली है, सो दैट रियली वर्क्स वेल। अब इसमें कौन सा दाग लग गया है ये समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्ली धुल के जो आया उसका दाग लग गया, काफ़ी ख़राब हुई है ये ड्रेस, बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो दिस अवे, क्योंकि आई माइट वेयर इट विद अ जैकेट, और जैकेट के साथ पहनने में द फ्लॉज गेट हिडन। अगर हमें एक तरफ स्कर्ट रखनी है तो ये एक स्कर्ट है जो कि बंजारा मार्केट से मैंने ली थी, और ये भी थोड़ी सी पुरानी लगने लग गई है, बट दीज काइंड ऑफ प्रिंट्स नेवर गो आउट ऑफ फैशन, सो आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो दिस अवे एवर। एक तो इसकी फ्लो इतनी अच्छी है क्योंकि इसके अंदर लाइनिंग बहुत सारी है, और ओवरऑल फिटिंग बहुत अच्छी आती है, सो आई माइट अपग्रेड इट अ बिट। तो अभी मैं इसके बारे में भी आई वर्क माई वे आउट कि क्या कर सकते हैं। दिस इज़ द स्कर्ट आई वॉज टॉकिंग अबाउट विद दैट फ्लोरल क्रॉप टॉप जो मैंने पहनी थी, स्लिट्स के साथ है, बहुत ही सेक्सी लगती थी ये, क्योंकि अंदर से वैसे मिनी है इसके अंदर, लेकिन स्लिट्स के साथ आपकी लेग्स शो करती हैं, और ये मैंने किसी के बर्थडे पे, कभी किसी ट्रिप पे बहुत सारी पहनी है, लेकिन अब ये मुझे फिट नहीं आ रही है, सो आई प्रॉब्ली माइट हैव टू गिव दिस अप। जब टाई एंड डाई का फैशन भी नहीं था ना, ये ड्रेस मुझे मिली थी सूरनगर से, बट द प्रॉब्लम वॉज इसका ये नेक बहुत, मतलब पीछे का बैक साइड बहुत ज़्यादा लो था, सो मैंने सेफ्टी पिन लगा लगा के इसको पहना है, उसकी वजह से ये थोड़ी सी डैमेज हो गई है, बट वेरी इजी वेयर, लुक्स नाइस ऑन मी, और मेरे से फेंकी नहीं जाती। ओके, ये ड्रेस मैंने ले तो ली थी, लेकिन इसमें बहुत मोटी लगती हूँ, इसलिए मैंने कभी पहनी ही नहीं, इसमें टैग भी लगा हुआ है इसलिए। तो मैं जब घर लाई इसको पहनने के लिए, तो ये मुझे फिटिंग में लगा, यार ये तो गड़बड़ हो गई, एंड सो आई हैव अ सिमिलर ड्रेस विथ स्लीव्स एंड ऑल ऑल्सो, तो वो काफ़ी सिमिलर लगती है। आई थिंक आई अगेन फाइंड अ वे टू वेयर इट। इन गर्मियाँ ना मुझे बहुत कुछ करना है, इन समर्स में आई विल वेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो टॉकिंग अबाउट द स्कर्ट्स, ये एक एस्टैक प्रिंट वाली स्कर्ट है जो कि स्लिट साइड स्लिट्स के साथ है, एंड इट्स ब्लैक, सो आई एम प्रीटी श्योर दिस विल वर्क आउट फॉर मी अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन वेकेशंस, जहाँ पे मुझे बोहो लुक कैरी ऑन करी। रियली गेटिंग टायरिंग, ऐसा लग रहा है भूख लग रही है बहुत तेज़, और बस हो गई कोई और मीजे की करती। एंड एक बात ज़रूर है कि वेन एवर यू लाइक रीअरेंज योर क्लोथ्स, रीऑर्गनाइज योर क्लोथ्स, तो सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है, कि तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे पास क्या क्या पड़ा है, एंड देन यू
देन यू कैन थिंक ऑफ वेज ऑफ वेयरिंग दोज क्लोथ्स. तो जब भी तुम्हें लगे कि मार्केट जाने का मन कर रहा है या कुछ नया खरीदने का मन कर रहा है, सो गो फर्स्ट लुक एट योर वार्डरोब एंड देन गो अहेड विद द शॉपिंग सो दैट यू डोंट रिपीट वॉट यू ऑलरेडी हैव. And also it's an encouragement of probably not buying more. थी कि shopping कुछ मन कर रहा था कि कुछ खरीदो. तो मैंने पहले से थोड़ा कम किया है shopping का level, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, but किया है फिर भी. तो मेरा मन कर रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि आज rearrange करते हैं और कुछ कपड़े thrift करते हैं, तभी मैं दूसरे लाऊंगी, नहीं तो दूसरे लाने का कोई point नहीं है because there will be no space to keep them. तो मैं जो अपनी न्यू ड्रेसेस हैं या जो बिल्कुल पहने नहीं हैं कपड़े, जैसे कि जंपसूट मैंने कभी नहीं पहना, तो मैं उनको एक साथ रख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि अगर मुझे कुछ नया जैसा फील करना है पहनने का तो वो एक साथ पड़ा हो. One eternity later. Pretty much done with half of it. अभी काफ़ी सारा काम बाकी है क्योंकि जगह खाली है और कुछ कुछ स्पेस यूटिलाइजेशन हो सकती है, लेकिन बहुत सारा भी बाकी भी है. तो ये रहे कुछ कपड़े जिनको या तो ऑल्टर कराना है या थ्रिफ्ट करने के लिए रखना है या नाइट सूट बनाना है. सो आई एम सुपर टायर्ड ऑफ क्लीनिंग माई क्लॉजेट वार्डरोब एंड इसलिए मैं बेड के नीचे आ गई और बहुत ज़्यादा सनलाइट है. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक का बटन दबा देना, कमेंट करके बताओ इफ़ यू वॉन्ट टू सी पार्ट टू एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर क्लियरली वॉट आई हैव इन माई वार्डरोब. स्पेसिफिक चीज़ें अगर आपको कुछ देखनी है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ. एंड थर्ड थिंग इज़ या सब्सक्राइब कर दो भाई, सिर्फ देखने मत आओ, मैं और कंटेंट बहुत अच्छा बनाने वाली हूँ. तो सी यू, बाय बाय.